हे मेरे प्यारे फैमिली, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। आप तो सब ठीक हो, है ना? सो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, है ना? सो कैसी है मेरी प्यारे फैमिली? और आज बात करेंगे कि किस तरह से आप कोई भी यूट्यूब चैनल सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, चाहे वो खरीदना हो चाहे वो बेचना हो। एक ही बात बोल दी मैंने, खरीदना हो चाहे सेल आउट करना हो, अपना चैनल किसी को बेचना हो, सिंपल सी चीज़ है। तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप किसी से चैनल खरीद सकते हैं या किसी को बेच सकते हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इस रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर ये हमारा चैनल है, इसको हमने सेल आउट करना है। सो ये वीडियो उन सभी के लिए है और यहाँ इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई यूट्यूब चैनल परचेज करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यू क्रिएटर नहीं जानते हैं कि हमें जब यूट्यूब चैनल खरीदना है या बेचना है तो हमें किन किन चीज़ों का अपना हमेशा एक ध्यान रखना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डेली हम फर्स्ट कमेंट की प्रमोशन करते हैं। जो बंदा फर्स्ट कमेंट हमारी वीडियोस पे करता है, जब हमारा वीडियो 7:07 पे शाम को अपलोड किया जाता है, सो कल जिनका फर्स्ट कमेंट था उनके चैनल का नाम है गब्बर, सुनके चैनल गब्बर, हाँ कुछ यूनिक सा है। सुनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी कम्युनिटी टैब और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको इनका वीडियो देखने को मिलेगा। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रमोशन करते हैं ताकि न्यू क्रिएटर्स को वहाँ से हेल्प मिले आगे ग्रो करने के लिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं, पूरा प्यार दिखाएं। और आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं और पहली बार हमारी यूट्यूब फैमिली पे आए हैं, सो यूट्यूब फैमिली का पार्ट ज़रूर बनना है। और जब शाम को 7:07 पे वीडियो है तो फर्स्ट कमेंट करके अपने यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करवानी है। तो ये फंडा है। अब मैं बताऊं, अगर आपने मेरे थ्रू, सबसे पहले मैं सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, अगर आपने मेरे थ्रू यूट्यूब चैनल सेल आउट करवाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई चैनल सेल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जैसे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो भी आपका चैनल सेलिंग के लिए है, जो आपने बेचना है, उसका लिंक आपने मुझे वहाँ पे शेयर करना है, उसके स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना है, चैनल को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है, वहाँ पे उसका डैशबोर्ड, एनालिटिक्स एंड जो मोनेटाइजेशन पेज का स्क्रीनशॉट होता है उसका, और एक जो नीचे परमिशंस का सेक्शन होता है वो, मतलब आपने पूरी डिटेल्स अपने चैनल की देनी है कि मेरा चैनल अभी ये है, इसके ऊपर सारी ये एक्टिविटी है, लास्ट 28 डेज में इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं चाहे वो डिक्रीज हुए हैं, सारी चीज़ें आपने वहाँ पे शेयर करनी है, ताकि जब भी मैं आपको मैसेज इंस्टाग्राम पे सीन करूँ ये देखूँ तो इमीडिएटली मैं समझ पाऊँ कि हाँ ये इस बंदे का ये चैनल है, इसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है वहाँ पे, और इस तरह से ये बंदा अपना चैनल सेल आउट कर रहा है, ताकि उससे डायरेक्टली बात करके उसके चैनल को आगे सेल आउट कर दिया जाए। क्योंकि यही मिस्टेक होती है जब मैं देखता हूँ तो बंदों के सिर्फ इतने से मैसेज आए होते हैं कि सर मुझे ये चैनल सेल आउट करना है, तो आप भी समझते हैं कि इतना टाइम है उससे मैं हेलो करूँ फिर जाकर उसका रिप्लाई आएगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है और इस वजह से सभी का रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सारी डिटेल्स, चाहे मुझे सेल आउट कर रहे हो चाहे किसी को भी कर रहे हो, तो ये डिटेल्स आपके पास सारी होनी चाहिए एज अ स्क्रीनशॉट चैनल का, चाहे वो नॉन मोनेटाइज है चाहे मोनेटाइज है, सारे स्क्रीन आपके पास वहाँ पे होने चाहिए। और वहाँ पे आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अपना वो चैनल की सारी डिटेल्स भेजनी है, देन उसके बाद मुझे सारी चीज़ें सही लगती हैं, जेन्युइन चीज़ें हैं, क्योंकि अगर चैनल के ऊपर कोई भी कॉपी स्ट्राइक वगैरह तो मैं उसको कभी भी सेल आउट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है न्यू क्रिएटर्स को पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कि क्या स्ट्राइक कौन सी क्या फलाना, वो किसी के दूसरे का वीडियो डालेंगे स्ट्राइक आएगी, मान लीजिए कि 2 स्ट्राइक पहले से चैनल के ऊपर थे, एक उन्होंने खा ली, चैनल का चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो सभी के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ, स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स भी नहीं होनी चाहिए। फंड आपको पता लग गया, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ अभी के साथ, आपने सिर्फ जो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है सिर्फ वहीं पर डील करनी है, कोई थर्ड पर्सन चाहे आपको टेलीग्राम पे बोले चाहे इंस्टाग्राम पे कोई और बंदा बोले उसको कभी भी शेयर नहीं करना। और स्पेशली जब मैं आईडी पासवर्ड कभी भी मांगू आपसे चेक करने के लिए तो सिर्फ वीडियो कॉल करना, पहले अगर मेरा फेस हिलता हुआ दिख रहा है ना डुलता तभी करना है, वॉइस रिकॉर्ड पे भी नहीं जाना। क्योंकि कुछ बंदों ने किया क्या है, जैसे कुछ बंदों ने मेरी फेक आईडीज बनाई थी तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अच्छा रिप्लाई दिया कि क्या कर रहे हो यार, बंदों को क्यों लूट रहे हो। बंद अभी भी ये चीज़ बहुत हो रही है, बंदे इंस्टाग्राम पे उनको अपने आईडी पासवर्ड, इंस्टाग्राम पे नहीं टेलीग्राम ग्रुप पे चीज़ हो रही है ज़्यादा, टेलीग्राम पे उनको अपनी आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं और फिर बाद में वो मुझे बोलते हैं कि सर आपने हमसे पैसे ले लिए, हम ये चीज़ नहीं कर रहे। दोस्त मैं सभी को ये ओपन चीज़ बोलता हूँ, अगर मैं इंस्टाग्राम का जो मेरा ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, अगर वहाँ पे भी कोई घपला झोल कुछ भी होता है देन आप एब्सोल्युटली मेरे ऊपर एक वीडियो बनाओ, सभी क्रिएटर्स को वहाँ पे मेंशन करो, मुझे भी साथ में मेंशन करना, जो चीज़ होगी उसका रिप्लाई मैं खुद आपको करूँगा, ये चीज़ मैं ओपनली बोलता हूँ। और कोई ऐसा बंदा बोलता है ना कि ये चीज़ है मेरे पास ये प्रूफ है तो मैं सीधी सी बात बताऊँ, किसी के ऊपर बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई बंदा जेन्युइन है हाँ एब्सोल्युटली मेक अ वीडियो ऑन मी, है ना, मेरे ऊपर वीडियो बनाए, अगर मेरा सिर्फ जो इंस्टाग्राम ऑफिशियल है अगर वहाँ से कोई गड़बड़ी होती है देन आप वो चीज़ बोल सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर बात करते हो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं,
क्योंकि मैंने हमेशा अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा है कि टेलीग्राम पे मैं खुद भी अगर बोलूँ तो फिर भी रिप्लाई करना है, क्यों रिप्लाई मत करना, क्योंकि टेलीग्राम पे कोई ऑफिशियल पता ही नहीं लगता कि कौन ऑफिशियल बंदा है कौन अनऑफिशियल है। वहाँ पे थोड़ी वेरीफाई बैच मिलता है, अभी हमें तो स्टार्टिंग में मिलेगा भी नहीं कोई। और सेम मेन चीज़ ये है कि कोई भी सेम यूज़र नेम वहाँ पे बना लेता है इजीली, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ जो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है वहीं पे डील करनी है, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा दोस्त, आप खुद समझते हैं ना। और बहुत सारे बंदे मिस्टेक भी करें तो उस चीज़ के रिगार्डिंग सेफ रहना, दूसरों को भी बता के रखना है। और ओपनली मैंने बता दिया कि जो बंदा कुछ भी हो एक वीडियो बनाए अच्छे से सारी चीज़ें वहाँ पे करे। और स्क्रीनशॉट्स का भी ऐसा कोई बिलीव नहीं करता, फेक स्क्रीनशॉट मुझे दिन के 4-5 बंदे होते हैं ऐसे जो फेक स्क्रीनशॉट बना के भेजते हैं, सर मैंने पेमेंट कर दिया अब मेरा काम कर दीजिए। और जब उनकी चीज़ें सारी मैच करते हैं तो ऊपर पेमेंट जब की होती है उसका टाइम अलग, ऊपर जो फ़ोन का टाइम होता है वो अलग, सारी चीज़ें अलग, क्योंकि मेन चीज़ फंड है ना। क्योंकि मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो सारी चीज़ें पता है कि कब कहाँ पे बंदा झोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरा बैंक है वहाँ मैंने उनके जो ऐप होते हैं वहाँ पे उसको डाउनलोड करके रखा है, मुझे साथ साथ में ही वहाँ पे रिफ्रेश होकर पता लग जाता है कि किसी की पेमेंट आई है या नहीं आई, तो इस वजह से कोई बंदा झोल करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। और ये पता है मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ कि जैसे मैंने नया नया चैनल सेल आउट करने लगा तो दूसरा ही दिन था और किसी एक बंदे ने 5,000 का फेक स्क्रीनशॉट बना के मुझे भेजे, और मुझे चिंता भाई वो बंदा बोला कि पैसे भेजे और मेरे पास पहुंचे नहीं। बैंक जाके वहां पे कंफर्म किया, एक ही होती है आईडी, होती है ट्रांजेक्शन आईडी, जब कोई बंदा पेमेंट करता है तो वो ट्रांजेक्शन आईडी वहां पे बनती है, उस ट्रांजेक्शन आईडी से हमें पता लग जाता है कि इस ट्रांजेक्शन आईडी जो नंबर है इससे किसको पेमेंट हुई है। तो मैंने देखा तो उन्होंने कहा इस ट्रांजेक्शन आईडी से तो किसी को पेमेंट ही नहीं हुई है, मतलब आपके अकाउंट में नहीं हुई, उसने किसी थर्ड पर्सन को किया होगा। तो इस तरह से भी सेफ रहना है, आपको फंडा पता लगे कि किस तरह से चैनल सेल आउट करना है। और प्राइस का भी आपको वहीं पे बता दूंगा, मीन आपकी कंडीशन जो आपके चैनल की कंडीशनिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके चैनल का क्या प्राइस रहेगा। और जो प्राइस मैं वहां पे लगाता हूं ना वो फाइनल प्राइस होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि उतना ही आपको मिल जाएगा, है ना, वो एक फाइनल प्राइस होता है, बीच में से सारा कट हटा के जीएसटी हटा के आपको वहां पे मिलता है। दूसरी चीज, चैनल किस तरह से खरीदना है अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हैं, और सिर्फ इंस्टाग्राम पे करना है भाई, जो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बंदे मतलब इंस्टाग्राम में वहाँ पे भी नकली बना लेते हैं, यूजर नेम में ऊपर नीचे एक आधा वर्ड लगा देंगे और वो कर देंगे। कभी भी कोई चैनल खरीदना है ना, पहले मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आओ, मेरा अबाउट सेक्शन है, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करो और वहाँ पे आओ, इंस्टाग्राम पे बात करो। कोई भी चैनल होता है वो मैंने वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे लगाया होता है, जब भी सेलिंग के लिए कोई चैनल आता है अच्छा लगे देन एब्सोल्युटली मैं वहाँ पे रख लगाया होता है। अगर सेल आउट हो जाता है तो वहाँ पे मैं सेल आउट डन भी लिख लेता हूँ, अगर नहीं होता तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ कहना है कि सर कोई चैनल अवेलेबल है या नहीं है, तो बस अपना क्वेरी भी बता देनी जितनी आपकी नीड है जिस अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे अपने सिंपल सी चीज़ करनी है, सर मुझे ये चैनल चाहिए, अगर अवेलेबल होगा तो इमीडिएटली आपका रिप्लाई होगा, आपको फर्स्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड हो जाएगा। और सेम सभी को मैं कहूँगा कि वीडियो कॉल करनी है कभी भी पेमेंट करने से पहले, उससे पहले मत करना, चाहे डिले हो जाए, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा ये चीज़ करें। तो कभी भी मेरे से चैनल लेना तो पहले मुझे वीडियो कॉल करना इंस्टाग्राम पे, चाहे नंबर चाहे मिले या ना मिले, लेकिन इंस्टाग्राम पे कॉल करके पता लगे कि हाँ ये वही बंदा है सौरभ चंदेल, क्योंकि बंदों ने वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिए दोस्त मेरे। मैं क्या कहूँ, इंस्टाग्राम पे जैसे मेरे से बात करते हैं या टेलीग्राम पे तो मैं रिप्लाई नहीं करता, मैंने उन बंदों को रिप्लाई किया था जिन्होंने फेक आईडीज बनाई हुई थी, उनको मैंने अच्छा खासा ही सुनाया था। तो इंस्टाग्राम पे भी जैसे मैं उनसे बात करता हूँ, मैं वॉइस मैसेज भेजता हूँ, तो उसको दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड करके आपको मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, फिर उन वॉइसेस को वहाँ से कट करके मेरे रिप्लाई बनाते हैं। तो उस तरह से सेफ रहना है, और इस तरह से आप किसी भी चैनल को परचेज या सेल आउट कर सकते हैं। थोड़ा सेफली लेना है, सारी चीज़ें होते हैं, क्योंकि चैनल बेचने वाले हज़ार आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं बहुत रेयर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो चैनल उनसे ले लूँगा लेकिन बाद में अगर वो रिकवर करते हैं तो थर्ड पर्सन को ही मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं सेफली चाहता हूँ कि सेफली सभी के साथ डील हो, सेफली किसी से चैनल लिया जाए और सेफली थर्ड पर्सन को वो चैनल सक्सेसफुली पहुंचा दिया जाए। तो ये ओवरऑल सारा फंडा रहता है, सेफली डील करना है सारी चीज़ें, प्यार से रहें, खुशी से रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और यूट्यूब फैमिली का पार्ट जरूर बनना, है ना, और एक लाइक खुद भी दूसरे को हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए और आपको भी एक अच्छा माइंडसेट बनाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, जब खुद आप किसी को लाइक करते हो ना। मैं सच कहूँ, मैंने आज तक किसी की वीडियो को डिसलाइक नहीं किया, मैं हमेशा सभी की वीडियो को लाइक करता हूँ। और मेरा बस चले तो मैं जितने जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम होता है तो मैं सभी को हर्ट ही देता हूँ, मेरी लाइफ में लाइक ऑप्शन है ही नहीं, ओनली हर्ट। सो आप भी यही माइंड सेट रखें, अच्छा प्यार से चीज़ें करते रहें। और लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ना, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है ना कि लगता है यार जितना मैं चाहता हूँ ना मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही, दूसरे बंदे को वो चीज़ मिल रही है। तो सिर्फ आपसे वही कहना चाहता हूँ ना कि जो चीज़ दिल से अच्छी लगती है ना, जो चीज़ दिल से प्यार लगती हो ना, मतलब उस चीज़ को करते रहो यार, है ना। चाहे सक्सेस दूसरे के बराबर ना मिले लेकिन दिल को तसल्ली मिलती रहेगी और मज़ा भी आएगा लाइफ में, है ना। सो लव यू ऑल, बिलीव इन योर ड्रीम्स।
पीस।